हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। भाई मेरी कंडीशन देख के हंसना नहीं कोई भी। मैं आया था अपनी बियर्ड सेट करवाने के लिए और भैया बोले कि मैं थोड़ा कर देता हूँ जिससे फेस पे शाइनिंग वगैरह रहेगी। तो भाई वो लगाया है, कोई गोल्डन फेशियल बोलते हैं, वो लगाया हुआ है। बाकी मैं सुबह ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया था, अभी कर रहा हूँ क्योंकि सुबह से कर रहा था मैं काम। पहला काम ये किया, गेस्ट हाउस में सारा सामान वगैरह गया तो वहाँ पे वो रखवाया, आज से हलवाई लग गया है। और आज है घर पे मेहंदी का फंक्शन, तो मेहंदी की डेकोरेशन हो रही होगी। तो अभी भाई घर पे जाएंगे और फिर देखो नहा पाते हैं पहले कि नहीं, क्योंकि किट्टू का एडमिट कार्ड भी लेके आना। 16 को किट्टू का एग्जाम है तो किट्टू को भी लेके जाना उसके कॉलेज, उसके वहाँ से एडमिट कार्ड दिलवा के लाना है। तो बाद में नहाएंगे, पहले जाएंगे किट्टू का एडमिट कार्ड दिलवा के लाएंगे, क्योंकि टाइम हो गया, 1:30 बज चुका है। नहीं तो फिर लेट हो जाएगा, कॉलेज बंद हो जाएगा, फिर मिलेगा नहीं इस वजह से। बाकी अभी ये हो जाए और 10-15 मिनट लगाने को बोला, 10-15 मिनट लगेगा, उसके बाद करेंगे। तो फिर फटाफट पहुँचते हैं घर पर और दिखाते हैं जैसा भी जो होता है। वापस आ चुका हूँ घर पे और अभी जा रहा हूँ किट्टू को लेके, उसके बाद नहाएंगे आके और रेडी होंगे फिर मेहंदी के लिए। बाकी अंदर मेहंदी वगैरह लग रही है, मैं वापस आके ही दिखाऊँ क्योंकि लेट हो रहा है। किट्टू कॉलेज बंद हो गया अगर तो दिक्कत हो जाएगी फिर, और कल जा नहीं पाऊंगा, कल तो शादी है इस वजह से। तो फटाफट अभी जाते हैं और लेके आते हैं जाके किट्टू का एडमिट कार्ड। तो भाई किट्टू का एडमिट कार्ड तो मिला नहीं और अब मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए, नहा के फिर होंगे रेडी। बाकी खाना तो मैं पहले ही खा चुका था, बहुत देर पहले मुझे बियर्ड सेट कराने गया था तभी खा लिया था। बाकी अभी मैं नहा लूँ क्योंकि बहुत लेट हो गए, 3 बज चुके हैं, मैंने अभी तक नहाया नहीं, तो नहाने जा रहे हैं फटाफट। तो भाई मैं नहा के हो चुका हूँ रेडी और मैं अब दिखाता हूँ आप लोगों को दीदी की मेहंदी लग रही है। और उसके बाद मैं जा रहा हूँ अपने मौसा जी के साथ में मार्केट, क्योंकि मौसा जी मेरे एक महान काम करके आए, मैनपुरी से आए, शर्ट रख लाए सारी और पेंट लेके नहीं है पहनेंगे। तो भाई मार्केट जा रहे हैं, मैनपुरी जाएंगे, जितना खर्चा वहाँ का होगा। और माइंड का पेन, 100 किलोमीटर चल के आए, सुबह से चल रहे हैं और तो मैंने सोचा यहीं से ले लेते पेंट एक बढ़िया। बाकी तो अभी मैं मेहंदी दिखाता हूँ आप लोगों को। तो भाई एक हाथ में मेहंदी लग गई है, पूरे में लग गई ना, पीछे भी दिखाओ जरा घुमा के। भाई ये देखो इस पे लग चुकी है और इस वाले हाथ पे लगाई जा रही है, तो अभी इस पे भी लग जाएगी। पैरों में लग चुकी है और पैरों में लग चुकी है, वो सॉक्स वगैरह पहने बैठी है अपने। नहीं ये देखो दिख रही है यहाँ से, बाकी अभी इन दोनों हाथों में लग जाएगी, एक में तो कम्प्लीट होगी, उसमें लग रही है। तो भाई मैं आया हुआ हूँ मार्केट और इस वजह से अभी जो शादी का दीदी का सामान है, बेड, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, ये सब चीज़ें लेने के लिए, और मेरे को दुकान नहीं मिल रही, ट्रैक्टर बहुत पीछे रह गया और मैं पैदल ढूंढ रहा हूँ दुकान। आगे निकल गया दुकान, मैं पूछ के आया हूँ तो बता रहे दुकान पीछे है। भाई जा रहा हूँ और देखता हूँ दुकान। तो भाई मैं सामान लेके वापस आ चुका हूँ घर पर, सारा चीज़ें आ गई हैं, 2 राउंड करने पड़े इस वजह से लेट हो गया। बाकी अभी मैं मौसा जी को छोड़ने गया, मौसा जी के वो पेंट बनाने जो लेके आए थे, अब वो गए हैं दोबारा मैनपुरी वापस, अब सुबह आएंगे तो वहाँ से अपने कपड़े लेके आएंगे। बाकी अभी होने जा रहा है मेहंदी का सूट, तो वो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। तो भाई ये हो चुका है फोटो शूट स्टार्ट। अरे देखो अलग अलग पोज में फोटो शूट होगा इनका। ये देखो भाई, बाकी भाई ये देखो छोटू के हाथ पे लिखा जा रहा है, सबके मेहंदी लगेगी, सब भाइयों के हाथ पे ये लिखा जाएगा। भाई दिखाओ क्या लिखा है, दुल्हन का भाई, भाई सब भाइयों के हाथ में लिखा जाएगा। नन्नो भाई चलो मैं लिखवा रहा हूँ, तब तक अपने पे उसके कैसे लिखे भाई, अब मैं भी अपने पे लिखवा रहा हूँ। तुम्हारी हथेली है, हथेला
ये देखो भाई मेरे हाथ पे लिखा जा रहा है, तुम का लिखवान पड़े ऑलरेडी डिजाइन है। ये देखो भाई ये मेरे हाथ पे लिख चुका है, बाकी अभी बड़े भाई शिवम भाई के हाथ पे लिखा है। यार सबसे लेट आए हैं, शादी के एक डेढ़ दिन पहले केवल आए हैं और ये भाई के हाथ पे लिखा जा रहा है। बाकी इसके बाद नंबर है देवांश दुबे का, इनके हाथ पे नहीं लिखा, छोटू के हाथ पे लिख चुका। भाई खराब मत कर लेना, ये इसको खिला रहा है। और ये भी भाई देखो अपनी मेहंदी लगवा चुकी हैं और बैठी हैं, कल इन्होंने लगवाई, इनकी रची नहीं बिल्कुल, पता नहीं क्या था, आज दोबारा लगवाई है इसने। ये देखो भाई चल रहे हैं इनके पोज अभी तक, और मैं ये लिखवा के आ भी चुका हूँ। भाई फोटो फूट तो चलिए, और इसकी मेहंदी देख लो एक बार, बीच में ही मैं दिखा दे रहा हूँ, पूरी लग चुकी है। पैरों की ओर दिखा भाई, पैरों के भी मैं दिखवा रहा हूँ। ये देखो भाई ये लग चुकी है पैरों पे भी और हाथों पे भी कंप्लीट हो चुकी, बाकी फिर एक नया पोज इनके लिए आ चुका है। ये देखो भाई अलग अलग पोज है, भाई लाइटिंग कैमरे की कितनी अच्छी होती है, केवल इन लाइटों से इतनी बढ़िया फोटो आ रही है। इतना ज्यादा क्राउड हो रखा है घर पे, मतलब भयंकर आवाजें आवाजें आवाजें, मैं कुछ बोल भी नहीं पाता, समझ में भी नहीं आता होगा। ये देखो एक पोज इनका, एक और पता नहीं कितनी फोटो खींचेंगी। तो भाई दीदी का तो वीडियो शूट हो चुका है, बाकी वीडियो शूट बोल रहा हूँ, फोटो शूट हो चुका है, अब भाइयों के साथ में होगा, तो मैं जा रहा हूँ फोटो शूट करवाने के लिए अपने साथ में, मतलब सारे भाई खड़े होंगे, सबका साथ में ही होगा। अब इन्हें की सही से धुपा दी, उन्हें पता ना कि गलत पहुंचे थे। अरे फोटो वालों बता रहे आइए इंजन का नहीं तो भाई ये देख लो दीदी के हाथ में और हम सब क्या लगे, बाकी अपने चाचा जी भी आ चुके हैं, भाई जगह चेंज करनी पड़ेगी। भाई मतलब हाथ पास करने के लिए बोला था दोनों लोगों का, पहुंचो भाई ये देखो शाम देखिए भैया इस वाले के मेरे पे, इस वाले के मेरे पे देखो, इस वाले को लिया मामा किया भैया को फोन आ रहा हूँ जा रहे हैं भाई अब माता जी के साथ में हो रहा है,
बापू भाई, कल तो बापू थे नहीं, आज बापू हैं। भाई अब बापू के साथ में पापा स्माइल। भाई अब बुआ जी के साथ में हो रहा, भाई हमारे बड़े फूफा जी। तो भाई फोटो शूट हो गए हैं और अब मैं इसी के साथ में इस ब्लॉग को करूंगा यहीं पे एंड। मिलेंगे नए ब्लॉग में। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और एक प्यारी सी कमेंट कर दे। बाकी भाई वीडियो जो अपनी आ रही है वो एक एक दिन लेट आ रही है, तो आज मेहंदी वाली वीडियो अब आप लोगों को मिलेगी कल परसों, ठीक है। तो ऐसे ऐसे भाई आपको कल तो नहीं मिलेगी, परसों मिलेगी, क्योंकि कल आएगी वीडियो जो वो आएगी मेहंदी वाली, इसके लिए एक दिन लेट आपको वीडियो मिल रही है। तो भाई अभी के लिए सभी भाइयों को राम राम। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दें और एक प्यारी सी कमेंट कर दें।